हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आसाम कॉमन एग्जाम्स जो भी होने वाला है उसके मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहां देखोगे पहला क्वेश्चन है 4 एंड देन माइनस 6 और ये सेकंड ब्रैकेट दिख रहा है आपका 12 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6। तो यहां देखोगे 8 और 6 के ऊपर में बार है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि ये बार का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखोगे 8 से 6 गया तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो 10 से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखोगे फर्स्ट ब्रैकेट का काम अब इसको कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको मिल गया कितना 8। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो यहाँ मिला आपका 8। अच्छे, अब यहाँ पे लिखेंगे 8 एंड देन ये माइनस, उसके बाद यहाँ क्या है 12, तो 12 से 8 को माइनस कर देते हैं तो दोस्तों कितना आएगा 4, ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे एक माइनस है तो फिर यहाँ माइनस लगा, ये सारे काम माइंड में करोगे दोस्तों, ठीक है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो अब देखोगे इस 6 है, अब ये 6 से 4 को माइनस करोगे यानी इस तरह से, तो ये कितना आएगा 2। तो फाइनली आपको यहाँ से यहाँ तक मिल गया दोस्तों पूरा कंप्लीट 2 मिला, ठीक है। तो 4 एंड देन ये है माइनस, अब यहाँ पे आया 2, सो 4 माइनस 2 करोगे तो 2। ये सारे काम माइंड में करोगे दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू ये माइंड में कैंसिल करते करते यहाँ तक आएंगे, उसके बाद लास्ट में फाइनली हम लोग 4 से माइनस कर देंगे, आंसर आया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब ये इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये डिवाइड है ना, जितने भी डिवाइड हो जाए तो जो पहला वाला होगा ना ये ऊपर होगा 188 एंड 00 डिवाइड बाय, अब ये सारे डिवाइड में आपस में इंटू हो जाएंगे, ये याद रखोगे आप, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये देखो ये एक जीरो, ये एक जीरो, दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 94 नीचे है, ऊपर है 188। तो 4 के टेबल में दोस्तों 8 कब आता है 2 टाइम्स, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, चेक कर लो आप, 4 2 8, 9 2 18, यानी 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 2, ऑप्शन नंबर में देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस देखोगे इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हम लोग कैसे करेंगे, तो ये आपको राउंड जो फिगर दिख रहा है ना, यानी होल नंबर आप बोल सकते हो 4 है, 5 है एंड 8 है, इसका साइन क्या है, प्लस है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, नहीं दिया मीन्स प्लस ही है। तो इन तीनों राउंड फिगर को यानी आप होल नंबर को पहले प्लस कर लेंगे, ये माइंड में करेंगे। तो ये हो गया 5 4 9 और 8, ये हो गया 17, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना है ये जो आपका फ्रैक्शन पार्ट जो दिख रहा है ना, यानी 1/6, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 1/6 एंड देन प्लस 1/6, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अब एलसीएम लोगे यहाँ से यहाँ तक का तो 6 ही आएगा, अब ये डिवाइड करोगे तो 1 ही होगा, 1 से 1 को इंटू करोगे 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया, ऊपर हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, और नीचे क्या आया 6, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 1/2। तो इधर आया था आपका 17 और ये लगा देंगे हम लोग 1/2, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 17 1/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है सॉल्व 9.8 का क्यूब माइनस 6.8 का क्यूब डिवाइड बाई 9.8 स्क्वायर प्लस 9.8 इंटू 6.8 प्लस 6.8 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से जब देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी एंड देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दोगे कि ये जो है ना ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर, ये अगर इस तरह का क्वेश्चंस हो तो ए माइनस बी एंड देन ये आएगा, और ये वाला पार्ट नीचे आपका गिवन मैक्सिमम क्वेश्चंस में गिवन होता ही है। आप चेक करोगे देखोगे स्क्वायर है एंड देन दिस इंटू दिस, ठीक है, एंड देन इसका अगेन स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, नीचे भी तो सेम ही है ना, इस तरह से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल, तो बचेगा क्या ए माइनस बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9.8 से 6.8 को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, यानी आंसर कितना होगा 3.0, दैट मीन्स 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। तो देखोगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, 8
35 एंड देन 378 होल स्क्वायर, सेम नंबर यहाँ पे माइनस में है। तो इस तरह के फॉर्मेट में अगर हम ए ले ले और इसको बी ले ले, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड देन प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखोगे, अब इसको आप ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगेन ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab ये 2ab कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में और दूसरा किस में, माइनस में। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 2b स्क्वायर। तो 2 अगर कॉमन ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखोगे ध्यान से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका गिवन है। देखोगे दिस इंटू दिस दो बार है, यानी अगर इसको हम लोग ए ले तो ये ए स्क्वायर हो गया, इसको अगर हम लोग बी ले तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी नीचे भी सेम आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 2। तो बिना सॉल्व किए अगर फार्मूला पता है तो इस क्वेश्चन का, इस तरह क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आप 2 क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है इफ x इज इक्वल्स टू √3 + √2 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x क्या होगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चंस आ जाए दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि इसका जब स्क्वायर करोगे, क्योंकि देखोगे x प्लस 1/, यानी इस तरह से आप जब बनाओगे ये 1/x का जब वैल्यू निकालोगे तो ये होगा। अब इसको हम लोग को फिर रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइजेशन करोगे फिर टाइम वेस्ट होगा। तो विद इन सेकेंड आंसर कैसे निकालोगे, देखोगे ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करो तो ये 3 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो तो आप याद रखना 1/x यानी रेसिप्रोकल जब हम लोग करेंगे 1/x तो ये हो जाएगा √3। और ये साइन को चेंज कर, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लिखोगे, प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये किसका वैल्यू होगा, 1/x का वैल्यू होगा, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x तो सेम ही रहेगा √3 + √2, और 1/x हो जाएगा आपका √3 एंड देन -√2। तो ये √2 √2 तो कैंसिल होंगे, क्योंकि एक माइनस में है दूसरा प्लस में है। तो √3 √3 मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2√3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज मैंने सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो अभी असम कॉमन एग्जाम जो होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।